पूरे देश में गणेश महोत्सव का उत्साह चरम पर है। आज गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ देश भर में लोगों ने भगवान गणेश को अपने अपने घरों में स्थापित किया। मुंबई में बॉलीवुड इंडस्ट्री के कलाकारों में गणेश महोत्सव का एक अलग जोश देखने को मिला। अभिनेता नील नितिन मुकेश ने मुंबई स्थित अपने घर में गणपति की स्थापना की। पूरे परिवार के साथ उन्होंने भगवान गणेश के लिए मनमोहक दरबार सजाकर गणपति उत्सव मनाया। हम लोग इस साल इनकी तीसरी जन्म दिवस मना रहे हैं हमारे घर में। He has been blessing us and gracing our home for 30 years. This being the 30th year, मगर इस साल और स्पेशल हो जाता है ये उत्सव, क्योंकि मेरे पूज्य पिताजी की जन्म शताब्दी का वर्ष भी है। तो और दिल में खुशी ज़्यादा, उमंग ज़्यादा, और इनका इंतज़ार साल भर रहता है। आते हैं तो हम मंत्रमुग्ध रह जाते हैं, क्या कहें क्या ना कहें। मैं तो यानी बस इतना ही कह सकता हूँ कि 30 साल से इन 10 दिनों का हम सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्योंकि घर परिवार में इतने सदस्य आते हैं, इतने हमारे मेहमान आते हैं, हमारे दोस्त, हमारे फैमिलीज देश विदेश से। तो इन 10 दिनों का हमें इंतज़ार रहता है कि हम सब घर पे रहें और उनका स्वागत करें और सेलिब्रेट करें, और भावनाओं के साथ आते हैं, फीलिंग्स के साथ आते हैं, पॉजिटिविटी के साथ आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब हमारे दरवाजे खुले होते हैं तो हम भी उम्मीद करते हैं कि वो सारी पॉजिटिविटी हमारे घर में आए। अभिनेता तुषार कपूर भी गणेश महोत्सव पर जोश और उत्साह से भरपूर दिखे। उन्होंने श्रद्धा भक्ति के साथ विधिवत गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के घर आगमन का उत्सव मनाया। इंडस्ट्री के दिग्गज संगीतकार स्वर्गीय बप्पी लहरी के घर में गणेश चतुर्थी पर गणपति की स्थापना की गई। इस दौरान उनके परिवार ने स्वर्गीय बप्पी दा को याद करते हुए उनकी तस्वीर भी साथ रखी। इस मौके पर बप्पी दा के अनेक मित्रों समेत अभिनेता सुनील शेट्टी और गायक कुमार सानू भी शामिल हुए। और स्पेशली यहाँ पे जो मैं आया बप्पी दा के घर, क्योंकि बप्पी दा को मैं एक अपना बड़े भाई मानता हूँ और पिता समान है, बड़े भाई मानता हूँ, एंड उनके घर के साथ हमारा बहुत पुराना रिलेशन है। तो कुछ भी हो जाए, अगर मैं बॉम्बे में रुकूँ तो बापिदा के कोई काम में मैं हाजिर हो ही जाता हूँ। तो इस बार अच्छा है कि शनन भी अमेरिका से आए, तो शनन भी हमारे साथ बापिदा के घर में आ गया और यहाँ पे बापिदा का आशीर्वाद भी लिया और गणपति जी का आशीर्वाद भी लिया। अभिनेता सोनू सूद ने अपने घर में गणेश चतुर्थी के दिन गणपति जी के आगमन का उत्सव मनाया। इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर फूलों और लाइटों से गणपति का भव्य मंडप और दरबार सजाकर बप्पा को अपने घर में स्थापित किया। मुझे महसूस होता है कि हर साल ही खास होता है। हर साल बप्पा नया लक्ष्य देते हैं, उसे पूरा करते हैं और फिर अगले साल आते हैं। समय बड़ी तेजी से बीतता है और फिर वापस पापा घर पर हैं। एक नया जोश है, नई खुशी है, सेलिब्रेशन का माहौल है। आप लोग सब हो साथ में, परिवार और बड़ा हो जाता है जब पापा आते हैं। तो आई थिंक वो पापा ही खासियत है। भारतीय गायिका पलक मुच्छल ने गणपति का सुंदर और मनमोहक दरबार सजाकर गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया। उन्होंने अपनी मधुर आवाज में गणेश मंत्र और आरती गाकर बप्पा का अपने घर में स्वागत किया। टी
टीवी इंडस्ट्री के अभिनेता अर्जुन बिजलानी ने भी गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर गणपति की स्थापना की। धूमधाम से भव्य दरबार सजाकर पावन मंत्रों द्वारा उन्होंने भगवान गणेश का स्वागत किया। अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने गणपति की मनमोहक मूर्ति के साथ गणेश महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान उनका पूरा परिवार बप्पा के स्वागत समारोह में साथ में काफी खुश दिखाई दिया।